नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम समस्याएं आपकी समाधान महावास्तु के। यदि हुआ आपकी समस्या का लक्षण मिलान तो आज आपको मिलने वाला है चमत्कारिक महावास्तु समाधान। जी हाँ मित्रों, नोट करें, यदि आपके जीवन में डिस्पोजल से संबंधित कोई समस्या है, जैसे आपको लगता है मेरे जीवन के अंदर खर्चा बहुत सारा हो रहा है, आपको लगता है मेरी पेमेंट जो है ना पता नहीं क्यों फंस जाती है, लोग मेरी पेमेंट देती नहीं है, मेरी पेमेंट जैसे ऐसा लगता है जैसे खड्डे में जा रही है, या फिर आपको लगता है कि मेरे जीवन के अंदर ना लेट गो बिल्कुल ही नहीं है। लेट गो मतलब जो भी चीजें इरिलेवेंट होती है अपने जीवन के अंदर वो हमारे जीवन से हट जानी चाहिए, लेकिन क्या करें, अच्छी से अच्छी बात है वो तो याद रखी नहीं जाती, लेकिन बुरी से बुरी जो बात है जिसको हमें छोड़ देना चाहिए वो हम छोड़ने में अपने आप को असक्षम पा रहे हैं, या फिर कब्ज की दिक्कत हो रखी है, पेट से संबंधित समस्याएं हो रखी है, पेट में बहुत गर्मी हो रखी है। यदि ये सारी समस्याएं आपके जीवन में है तो आपको देखने की आवश्यकता है अपने घर की एक डायरेक्शन जिसका नाम है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, SSW। जी हाँ मित्रों, यह जो जोन है यह एक्चुअल में आपके घर की जो 180 डिग्री की दिशा है, कंपास लेकर जब घर के आप मिडल में खड़े होंगे कंपास से देखेंगे तो जहां 180 डिग्री दिखाई दे वह होता है साउथ। साउथ और नैऋत्य कोण के जो बीच की जगह है उसका नाम है SSW, आपको फोटो में दिखाई दे रहा होगा। इस जोन के अंदर आप देखें, यदि तो यहां पर किसी भी प्रकार का कट है, यानी कि यह जोन आपके जीवन में बहुत ही कम है, ज्यादातर हम लोग ये देख लेते हैं कि SSW का जोन है जी कम हो जाएगा तो कौन सा फर्क पड़ेगा, डिस्पोजल ही तो नहीं होगा, हमारे जीवन में वेस्टेज नहीं होगा, लेकिन नहीं मित्रों, यह जोन ही उत्तरदायी है आपके जीवन से हर प्रकार का जो इरिलेवेंट है ना उसको बाहर निकालने का। यदि इस जोन की ऊर्जा जो है वह कहीं पर भी डिस्टर्ब हुई तो आप अपने मन के भावों को भी ठीक ढंग से व्यक्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गंधर्व इसी फील्ड पे बैठते हैं, साफ सफाई में आपका मन नहीं लगेगा। तो इस जोन को देखें, यदि यहां पर कट है तो फिर आपके जीवन के अंदर डिस्पोजल की एक्टिविटी जो बिल्कुल ही कट हो जाएगी, ना मन के गुब्बारा आप निकाल पाएंगे, ना आपका पेट साफ हो पाएगा, बहुत प्रकार की दिक्कत आपको डिस्पोजल से संबंधित आने वाली है। करना क्या है, बस इस जोन के अंदर सिंपली आपने येलो कलर ऐड कर देना है, इतना करने मात्र से इस जोन की एनर्जी बढ़ेगी और आपको इस समस्या से काफी हद तक राहत मिलेगी। जब भी मैं बात करूं समस्या के समाधान की तो कोई भी समस्या का कारण केवल एक जोन नहीं होता है, जैसे SSW में दिक्कत है तो ही आपके स्वास्थ्य में प्रॉब्लम आएंगी और स्वास्थ्य का जोन होता है NNE, तो जो कंबाइंड सब घर को आपने देखना है। मुख्यतः जो मैं बात कर रहा हूं वह केवल एक जोन की कर रहा हूं, वह है SSW। इसको ठीक करके देखें, इसमें यदि समस्या समाधान हो जाती है तो ओके, जो कि हो भी जाना चाहिए, ज्यादातर इसी कारण से यह समस्या डिस्पोजल से संबंधित आती है, लेकिन यदि नहीं हो तो फिर आप महावास्तु 16 जोन के ऊपर मेरे एक प्लेलिस्ट आ रही है आई बटन, उसको क्लिक करके सभी जोन को देखें, फिर आपकी समस्या जो है ना मैच हो ही जाएगी। और नहीं भी हो तो आगे समस्या से संबंधित हमारी सीरीज चल रही है, आपकी समस्या से संबंधित सारी बातें मैं उसमें करने ही वाला हूं। अब बात करते हैं दूसरी एक्टिविटी। यदि आपको लगता है कि आपके तमाम प्रकार के एफर्ट जो है ना बिल्कुल व्यर्थ जा रहे हैं, पैसा जो है वो आपका बर्बाद होता जा रहा है, तो मित्रों आपका जो एक्शन है, आपका जो पैसा है, उसका जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट होता है ना वह होता है फायर। मुख्यतः फायर, यदि यहां पर आपने चूल्हा बना रखा है, बर्नर बना रखा है, रेड कलर यहां पे कर रखा है, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन के अंदर सारे एफर्ट जो है ना वो आपके बिल्कुल बेकार जा रहे हैं। विशेष तौर से यहां पर बर्नर होना बहुत बड़ा इंबैलेंस देता है, पिता और पुत्र के बीच में झगड़े का कारण भी बनता है, संपत्ति को लेकर झगड़ा हो सकता है, किसी भी विषय को लेकर हो सकता है, तो ये झगड़े का कारण भी है। तो इसका उपाय क्या है, इसका उपाय मित्रों यही है कि आपको उस बर्नर को वहां से थोड़ा सा एडजस्ट करके अपने घर की साउथ के अंदर आपको शिफ्ट कर देना है। अब बात करते हैं, यदि आपके जीवन के अंदर आपको लगता है कि पैसा खर्च हो रहा है बिना मतलब का, अनावश्यक खर्च बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए उपाय क्या है, तो बस इसी जोन को पहले बैलेंस करना है और फिर इसके अंदर एक येलो कलर का फ्लावर पॉट रख देना है। फ्लावर पॉट की बात कर रहा हूं, बिल्कुल खाली होना चाहिए वह है, उसमें कोई भी फ्लावर नहीं चाहिए। यदि इस दिशा के अंदर आपने ग्रीन कलर कर रखा है तो आप देखेंगे पेट से संबंधित आपको बहुत सारी समस्याएं हो रखी है, यहां पर बहुत सारा ऐसा स्टोर है जो आपने ठूस ठूस कर भर रखा है, बिल्कुल हिलने की जगह नहीं है, तो आपको कब्ज की दिक्कत हो सकती है, तो इस स्टोर को भी व्यवस्थित करें
और यहाँ पर ग्रीन कलर है तो उसको यहाँ से हटा दे। SSW का एक सबसे बड़ा दोष है वो ये है कि यदि इस दिशा क्षेत्र के अंदर आपने बेड लगा लिया, यदि आपका बेडरूम यहाँ पर है तो आप देखेंगे आपके जीवन के अंदर जो है ना संबंध जो है ना विसर्जित होने शुरू हो गए हैं, अथवा तो आपको ऐसा लगता है कि भाई क्या करें, ऐसे नींद लेते ही शरीर काम ही नहीं करता, ऊर्जाहीन अपने आप को महसूस कर रहे हैं, या फिर कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे जीने का तो कोई उद्देश्य ही नहीं है। यदि ये समस्या आ रही है तो उसका एकमात्र कारण है आपके घर के अंदर आपका जो बेड है वह एडजेक्ट SSW की दिशा में आ रहा है और इसका कोई समाधान नहीं है, उस बेड को वहां से आपको रिलोकेट ही करना पड़ेगा। जैसे ही रिलोकेट करेंगे या तो SW के अंदर चले जाएं या फिर साउथ में चले जाएं, वैसे ही आप अपने आप को फिर से तरोताजा महसूस करेंगे। यदि आपने अपने घर के इस जोन को अच्छे से बैलेंस कर लिया तो आपके जीवन के अंदर लेट गो से संबंधित, डिस्पोजल से संबंधित हर प्रकार की जो गतिविधि है वह बहुत अच्छे से होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि घर की ऊर्जा यह बिल्कुल सुनिश्चित रूप से तय करेगी कि इस घर में रहने वाले प्रत्येक सदस्य की जो इम्यून सिस्टम है, इम्यूनिटी है, वह बढ़ जाए बिकॉज ऑफ डिस्पोजल, यानी कि उनका जो इरिलेवेंट है वह खत्म हो जाए, चाहे फिर मन का गुब्बार खत्म हो जाए, चाहे तन से मैल खत्म हो जाए, मलमूत्र इत्यादि खत्म हो जाए। तो यहाँ पर टॉयलेट बनाए, डस्टबिन रखे, यह एक आदर्श एक्टिविटी रहेगी। मित्रों, इस प्रकार से आप अपने जीवन के अंदर महावास्तु के इन सिंपल सीधे सरल टिप्स को अपनाएं और जीवन के अंदर खुशियों को प्राप्त करें। आपके जीवन में खूब सारी खुशियां आए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय सिया राम।